So today we have Oli Banerjee and Somik with us. So Somik ji, how you got to know about Brain Code and what brought you here with us? Please share your things. Actually, my son Ankush, he was detected mild autistic from the very early age, around 2-3 when we did the assessment. तो तब से हमने उसकी स्पीच थेरेपी कराई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई. कराने के बाद वो एक लेवल पे आया हुआ है, बट अभी भी हमको प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है, ही समहाउ नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट ऑन द एग्जाम पेपर्स. उसको चीज़ें पता है बट क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है तो आंसर नहीं कर पाता है, और क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ के नहीं आंसर करता है. सो और एक तो ये प्रॉब्लम है उसके एकेडमिक्स के, मतलब रिजल्ट को ठीक करना. एंड सेकेंडली कि उसको फ्यूचर में उसके प्रोफेशनल के लिए या आगे जो करियर वो ले सकता है वो किस फील्ड में ले, व्हाट इज इज इंटरेस्ट, व्हाट इज इज कैरेक्टर ट्रेट्स और व्हाट इज इज इंटेलिजेंस ट्रेट्स. तो हमें वो चीज़ जानना है ताकि हम उसको प्रॉपरली गाइड कर पाए, सो दैट वी डोंट वेस्ट आवर टाइम ऑन फोर्सिंग थिंग्स जो वो नहीं कर पाएगा. सो वी वॉन्ट टू पुट इन्वेस्ट आवर एफर्ट टोटली ऑन वट ही कैन डू, सो दैट विच कैन रिजल्ट, मतलब रिफ इन टू गुड बेनिफिट्स. तो मैम को मैंने ढूंढा BNI कनेक्ट से. So as I am a member, Preeti ma'am is also a BNI member. So I was just searching with the keywords and suddenly I came across her profile and I connected at that instant, and she was very generous to reply at that time only. It was 9:30 in the night. मैं तो सोच रहा था कि मैं कॉल करूँ या ना करूँ, बट फिर भी मैंने कर लिया and ma'am also replied and then we connected here in Delhi. And today I got the fingerprints done for my son and waiting for the analysis to learn more so that we can guide him properly. Right. So Oli, आपके क्या concerns हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाह रहे हो, क्या solutions और answers हैं जिनकी आप खोज में मेरे पास आए? एक्चुअली मैम, मेरे बेटे का काफ़ी चीज़ है एज ए मदर कि मुझे वो चीज़ पता नहीं कि उसका आगे की फ्यूचर के लिए मैं उसको किस दिशा में गाइड करूँ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो काफ़ी मतलब दिशा में है, बट मैं किस तरीके से उसको कहाँ पर गाइड करूँ, उसका मतलब एकेडमिक में या जैसे उसका कुकिंग वगैरह है उसमें है, मतलब किस में, तो वो मुझे एक क्लैरिटी मुझे नहीं आ रहा है एज ए मदर. तो मैं इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि आप मुझे वो गाइडेंस दे पाए कि उस हिसाब से मैं अंकुश को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाऊँ. और आप अंकुश के ऊपर अंकुश ना लगा के उसको खुला बर्ड के जैसे छोड़ सके. बिल्कुल मैम, उसी मतलब होप में मैं आपके पास हूँ कि आप हमें उस तरीके से गाइड कर पाओ. बिल्कुल, मैं अंकुश की एक लाइफ में उसकी मतलब एक गुड उसका दिशा बनाने में मैं उसकी मदद कर पाऊँ. बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे. एंड हाय अंकुश. सो दिस इज अंकुश. सो अंकुश, आप किस क्लास में जाने वाले हो? सेवेंथ पास होकर एट्थ में. वाओ, यू एक्साइटेड? यस, वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू.